आज हम बनाएंगे भिंडी की एक रेसिपी जिसको कहते हैं दही भिंडी। दही भिंडी ये अपने आप में एक अलग टेस्टी डिश होती है। तो भिंडी तो ऐसे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन ये दही भिंडी बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। इसको आप पराठे या रोटी के साथ सर्व करें तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दही भिंडी। दही भिंडी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम भिंडी को अच्छे से काट कर धो लिया था, उसके ऊपर के डंठल और नीचे के हमने काट लिए थे। उसके बाद हमने भिंडी को 2 से 3 हिस्सों में काटा है और इसके अलावा हमने इसमें यूज़ करना है हमको 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हमने राई ली है, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और एक बड़े साइज की प्याज को लेकर बारीक काट कर रख लिया है और हम यूज़ करेंगे इसमें 1 बाउल हमने दही लिया है। और मसालों में हमने लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मोटी कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हमने लिया है पिसी धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। दही भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को गैस पर रख देते हैं। पैन गर्म हो गया है, अब हम पैन में ये 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डाल देंगे और राई को थोड़ा सा हिला के चला लेंगे हम। ये देखिए राई का पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज देखिए हल्की फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हम अदरक लहसुन को भून लेंगे। अदरक लहसुन देखिए भुन चुका है, अब गैस की तेज फ्लेम हम कर देते हैं और इसमें हम ये भिंडी डाल देंगे। भिंडी को हम डाल देंगे और उसके बाद हम भिंडी को 2-4 चम्मच चला के इसको फिर गैस की धीमी फ्लेम पर तकरीबन 5 से 8 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे, बस जितनी देर में ये भिंडी गल जाए। अब हम ढक्कन को बंद कर रहे हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। भिंडी को देख लेते हैं आपकी भिंडी अगर गल गई है तो हम इसमें मसाले ऐड करें। भिंडी गल चुकी है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और जो हमने ये मसाले लिए थे सारे काली मिर्च, जीरा, नमक, मोटी कुटी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, इन सब को हम देखिए इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर इसको पका के फिर हम इसमें दही ऐड करते हैं। हमने इसको कुछ देर तक भून लिया है। काली मिर्च का फ्लेवर दही के साथ बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें देखिए दही हमने डाल दिया। दही के साथ हम कुछ देर तक भिंडी को भून लेंगे ताकि ये पक जाए। दही भिंडी देखिए रेडी है, ऑयल ऊपर आ गया है, ग्रेवी भी बन चुकी है। इसकी ग्रेवी बहुत पतली नहीं रखनी है। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है भिंडी, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी होगी खाने में। अब हम इसको सर्व करने के लिए सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। दही भिंडी रेडी है, हमने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। भिंडी बहुत तरीके से बनती है, आप इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। मेरी बाकी की भिंडी की रेसिपी देखने के लिए आप मेरी लिंक में जाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।